आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, इसका हर खबर से। मेडिकल हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा दूसरा वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें चित्र बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बदर विधानसभा क्षेत्र के मीठापुर लखपत कॉलोनी पाटू में आयोजन किया गया। मेडिकल जो एसोसिएशन में जो ये प्रोग्राम हुआ है, आप क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, बताना चाहूँगा, हमारी संस्था मिरेकल हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी पिछले 7 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। इस पर हमने 4 सेंटर खोले हुए हैं। एक सेंटर हमारा लखपतौनी पार्ट 1 में है, सेकंड सेंटर हमारा लखपतौनी पार्ट 2 में है, जो आज प्रोग्राम हो रहा है। एक सेंटर हमारा सेंटर 3 किराड़ी में है और सेंटर 4 बदरपुर में है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस भी है, तो उसके उपलक्ष्य में हमने छोटे छोटे बच्चों के द्वारा में ड्राइंग कम्पिटिशन करवाया। हम क्या करते हैं, प्रत्येक महीने कोई ना कोई कार्यक्रम करवाते हैं, जिससे एक बच्चों में उत्साह बना रहे। यहाँ पर बेसिकली हम लोग हर महीने सिलाई कढ़ाई का, आर्ट एंड क्राफ्ट का, पार्लर, कंप्यूटर क्लास आदि करवाते हैं और तरह तरह की क्लास करवाते रहते हैं हम लोग। बेसिक हमारा है कि जो माननीय मोदी जी का सपना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो चल रहा है उनका, तो हम उसको साकार करना चाहते हैं हम लोग। जो है यहाँ पर हमने गरीब लोगों के लिए खोल रखे हैं, पार्ट 1 में खोल रखा है। और आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति, देश के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनका भी जन्मदिवस है, उसके मौके पे मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और बच्चों ने बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आगे चल के देश का भविष्य बनेंगे, मैं इन सबको शुभकामना देता हूँ। 3 बच्चों को आज हमने यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज़ दिया और आगे हम लगातार कार्यक्रम करते रहेंगे। कुछ समय बाद मैं खुद भी क्लासेस दूंगा और हमारे बीच में हमारे संस्था के डायरेक्टर मीरा चौधरी जी हैं, जो संस्था को बखूबी संभाल रही हैं। नरेंद्र सिंह पवार जी हैं, जो हमारे संस्था के राष्ट्रीय महासचिव हैं। संगीता जी, ममता जी, लक्ष्मी जी, प्रतिमा जी और सभी टीम का पूरा सहयोग मिलता है इसमें। कितने बच्चे हैं इस एनजीओ संस्था में? देखिए, बच्चे तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। फिलहाल अब 30-35 बच्चे यहाँ पर हमारे यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पर जो आते हैं। तो तरह तरह के कोर्स हमने बताया आपको, कंप्यूटर कोर्स है, सिलाई कढ़ाई का कोर्स है, आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स है, पार्लर का कोर्स है। बेसिक हमारा लड़कियों को लेकर ही है कि लड़कियाँ स्वावलंबी हो पाएँ और अपने कदम को सही तरह से मजबूत कर पाएँ। और आगे चल के मैं बहुत जल्दी ही यहाँ पर भी और सेंटरों के अंदर भी आर्ट डे के ऊपर खुद क्लास दूंगा और महिलाओं के प्रति जो बढ़ती हुई घरेलू हिंसा वगैरह है, इसके ऊपर मैं क्लास देना शुरू करूँगा। और आएगी, आप जानकारी लेना चाहें तो, ये एनजीओ आपकी संस्था जो बच्चों का जो सहायता कर रही है, क्या गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार से कुछ इसमें प्रावधान मिल रहा है? देखिए, हमारी संस्था राष्ट्रीय लेवल संस्था है, 8 राज्यों से मेंबर है हमारे इसमें और केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। बाकी अभी हम लोग अपने ही पैसे से इसमें करते हैं काम। जो है अभी हमें कोई डोनेशन नहीं मिलती है, सरकार से हमें कोई फंड नहीं मिलता है। उसके लिए हम प्रयास जारी करेंगे, 2 फरवरी मार्च के बाद हम प्रोजेक्ट वगैरह लगाएंगे। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, इसका हर खबर से।